तो अमित शाह की बाइक रैली को कामयाब बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने ईडी चोटी का जोर लगाया है। प्रशासन पूरी तैयारियां कर चुका है, वहीं विपक्ष भी विरोध की तैयारी में जुटा है। अब कल की रैली में आने वाली भीड़ ये साफ कर देगी कि रैली कामयाब हो पाई या फिर बात नहीं बन पाई। अमित शाह की रैली से ठीक एक दिन पहले एक हद तक अड़चनें और मुश्किलें कम होती नजर आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमित शाह जब जींद पहुंचेंगे तो किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी। दरअसल विपक्ष पूरी तरह से तैयार है अमित शाह की रैली को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के खिलाफ विपक्ष खड़ा है। साथ ही जाट आरक्षण आंदोलन से लेकर बलिदान दिवस की तैयारियों के बीच हरियाणा में अर्धसैनिक बलों ने पुलिस के साथ मोर्चा संभाल लिया है। इसमें पूरा फोकस जींद पर रहेगा। जींद जिले में अर्धसैनिक बलों की 25 कंपनियों की मांग की गई। केंद्र ने जींद जिला प्रशासन की मांग को मंजूर करते हुए तुरंत 3 कंपनियों को जिले के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद कर दिया। 12 अन्य कंपनियों को रिजर्व पर रख लिया गया, जिन्हें 14 फरवरी की रात तक यहां तैनात किया जा सकता है। जींद के लिए कुल 37 कंपनियां अलॉट की गई। सूबे के मौजूदा तनाव भरे हालात के बीच कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ये कवायद ठीक उसी तरह से चली जब हरियाणा की बीजेपी सरकार नई दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बातचीत कर रही थी। इस बैठक में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक भी शामिल हुए। मलिक ने 2 दिन पहले ही ठीक उसी जगह पर अपनी रैली का ऐलान कर दिया था जहां अमित शाह रैली करने वाले हैं। इससे हरियाणा सरकार के हाथ पांव फूले नजर आए। तुरंत कोशिशों को तेज कर दिया गया। सरकार ने दूसरी नसीहत विपक्षी दलों को दे डाली। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि विपक्ष काले कारनामे छोड़ दे, रैली होगी और जोरदार होगी। आपको बता दें कि अमित शाह 15 तारीख को जींद में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकालने वाले हैं। दरअसल इनेलो ने अमित शाह को आसमान में काले गुब्बारे और जमीन पर काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है, जबकि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर भी कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल पर जींद पहुंचने का ऐलान कर चुके हैं। मुश्किल की बात ये है कि अब महिलाएं भी अमित शाह के दौरे के खिलाफ खड़ी नजर आई। इन सब हालात को देखते हुए जींद में सीआरपीएफ की महिला कंपनी को तैनात कर दिया गया है। जींद में महिला कंपनियों और सीआरपीएफ के जवानों को ट्रेनिंग के साथ साथ संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा के रोहतक, सिरसा, झज्जर, सोनीपत, कैथल में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। डीजीपी डॉक्टर बीएस संधू ने आला अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद जींद में बीजेपी के रैली स्थल की सुरक्षा का रिव्यू किया। यहां हरियाणा पुलिस के 55 डीएसपी तैनात किए जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर डीएसपी मौके पर पहुंच गए। रैली की सुरक्षा के लिए 8 एसएसपी, 55 डीएसपी की ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा 200 इंस्पेक्टर, 450 एनजीओ, 5500 पुलिस कर्मचारी और 250 महिला पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो रैली कितनी कामयाब होगी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यही है, और इसी सवाल के साथ चर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढिंगरा हैं स्टूडियो में, साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर आनंद सनवारिया हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ हैं, साथ ही डॉक्टर राजन भंडारी पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ हैं चर्चा में, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप सहारण हैं इस चर्चा में। स्वागत है सभी का, और चर्चा की शुरुआत करेंगे बीजेपी के साथ। सनवारिया साहब, कितनी कामयाब हो पाएगी रैली? ज्योति जी, मैं कहता हूं कि ये 100% कामयाब रहेगी। पूरी जनता में जोश है, और एक स्टेट में, एक प्रदेश में राष्ट्रीय हमारे जो प्रमुख हैं अमित शाह जी, जो कि एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की, मैं आपके ध्यान में ला दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है 12,500 सदस्यों के साथ में, और जिस प्रदेश में वो आ रहे हैं वहाँ भी करीबन 28 लाख हमारे मेंबर्स हैं। जब कोई भी प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो जोश और जुनून जो लोगों का है, जो खुशियां उनको हैं, उनका खैर मकदम, उनका वेलकम करने के लिए, विपक्ष का भी नजर आया सर उसको लेकर। हाँ, ये एक बड़ी दुखदाई बात है ज्योति जी, कि डेमोक्रेसी में हर एक पार्टी को रैली करने का हक है। हाँ। और विपक्ष का भी हक है कि वो उसको अपोज करे, लेकिन ये हक किसी ने नहीं दिया, ना कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ना मोरलिटी ने दिया कि उस रैली को वो अवरोध ही करें और उसको वो भंग करें। हाँ। वो अपने तरीके से, शांतिमय तरीके से उसको अपोज कर सकते हैं, वो उनका हक है। दो चीजें हैं, पहले तो अभी सनवारिया जी ने कहा कि डेमोक्रेसी में ये हक है कि रैली करें,
बिल्कुल, हम भी ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र में सभी को हक है, ये रैली करें, लेकिन इसके साथ साथ एक लाइन और जो इनको जोड़नी चाहिए थी वो ये कि डेमोक्रेसी में और नैतिकता में ये भी जरूरी है कि आप जनता से जो वायदे करके वोट लेके सत्ता में आए उन वायदों को भी पूरा करें। हम जो अमित शाह जी का काले झंडे दिखाकर स्वागत करेंगे, जो हमारा विरोध है उसका कारण ही प्रदेश के हित के मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, मोदी जी ने वायदा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये लिखा था कि SYL का पानी प्रदेश में लेके आएंगे। हमने यही सवाल उनसे पूछा कि आपने वायदा किया था, आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जिसने ये वायदा करके सत्ता प्राप्त की, आपका इस बारे में क्या कहना है? कब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप लागू कर रहे हो प्रदेश में आने से पहले ये बताएं। कब SYL का पानी प्रदेश को मिल रहा है प्रदेश में आने से पहले बताएं। और सच्चाई तो ये है, SYL पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए हुए एक साल से ज्यादा हो गया है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय की गई थी, केंद्र सरकार को नहर का निर्माण करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश सरकार की बात करे केंद्र सरकार की बात करे इस मामले पर कोई भी कदम नहीं उठा रही है, जो सबसे बड़ी विडंबना है। वायदा था युवाओं को रोजगार देने का, मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को रोजगार देने के। हमने सवाल पूछा कि आपने वायदा किया, युवा से वोट लिया, इस वायदे के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? प्रदेश में आने से पहले इस बात का जवाब दीजिए। पार्टियां होंगी सर, वादा सभी करती हैं, लेकिन क्या वादों को लेकर ही अमित शाह को घेरा जाएगा? देखिए ऐसा है कि वायदा करके उसको पूरा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपने वोट लिया है ये वायदा करके, किसान में गए आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात की, हरियाणा प्रदेश में आए आपने SYL की बात की, युवाओं में गए आपने रोजगार की बात की, उन्होंने वोट दिया आपकी बात पे भरोसा किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर? ये हमारा विरोध है सबसे बड़ा। आपके वादों से ही अब प्रवीण जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि डेमोक्रेसी में नैतिकता बहुत जरूरी है। मुझे बड़ा अचंभा लगा कि इन लोग के प्रवक्ता आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो अनैतिकता से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और इनको बात कर रहे हैं कि रैली में जो वायदे करने की बात, जैसे कहा कि वायदे किए और वायदे हमने 3 साल का जो रिपोर्ट्स कार्ड है वो बहुत अच्छी तरह से मेरी सुनिए, इनके काले गुब्बारे, इनके काले चित्रों से बीजेपी डरने वाली नहीं है। हम जनता को उत्तरदायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व जनता जनता की तरफ है और उसको हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। आज हरियाणा में छोटा सा कमेंट, जिस तरह के शब्द सनवारिया जी ने प्रयोग किए, हालांकि मैं समझता था कि बड़े बुद्धिजीवी हैं, शायद ना डिरेल करने की कोशिश करें चर्चा को, मैं दबाता हूं जवाब देता हूं। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कोर्ट तड़ी पार कर दे, जिस पार्टी के नेता बाद प्रधानमंत्री पद पे चले जाए, लेकिन एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर उनके बारे में केंद्र सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये बात कहे कि एक महिला की निजता का हनन किया है, ठीक है, ये जिन नेताओं के ऊपर महिलाओं की निजता हनन का आरोप लगेगा वो हमें नेता सिखाएंगे, वो हमें नेता सिखाएंगे। और आज हालात इस तरह के हैं, आज एक बात बताएं, वो भीम सिंह जुदेव आप ही की पार्टी का नेता था जो कैमरे में पकड़े गए सारे लिए हुए कि माना पैसा खुदा ने पर खुदा से कम भी नहीं, आप उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में बात कर रहे हैं, इनके नेता सिखाएंगे किसी महिला की नैतिकता का हनन से बड़ा अपराध कोई नहीं होता सरकार जी, और आप किसी व्यक्ति की हत्या करवा देना, चर्चा करवा देने का आरोप लगना, ये आपके बड़ा कांग्रेस तो परेशानी क्या है? अमित शाह की रैली से कांग्रेस क्यों परेशान है? देखिए हम बिल्कुल परेशान नहीं है, ये रैली करें जितनी मर्जी रैली करें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्होंने हाल ही में जो पिछली 3 रैलियां करी थी मैं उसका जिक्र करता हूं। एक सोनीपत में रैली करी थी जहां कविता जैन ने ये कहा कि आज हमारी रैली के अंदर कोई आदमी नहीं आए क्योंकि हमने रैली का जो टाइम है वो लेट कर दिया और लोग आए नहीं। दूसरी रैली इन्होंने जींद में की थी जहां वरिंदर सिंह थे और बाकी के जो लोग थे बीजेपी के, वहां पे भी रैली की जो कुर्सियां थी वो नदारद थी। तो भाजपा का ये हाल हो चुका, और राजकुमार सैनी तो लोगों के बीच में ये अपील करते हुए देखे गए कि 10-10 आदमी तो कम से कम ला सकते थे, एक एक आदमी हमारी रैली में तो कुछ हो जाता। अगर जिस तरह से ये रैलियां इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3.5 साल में जो इन्होंने कर्म किए हैं उस तरह से इनकी रैलियां खाली रहती हैं। आज ये सारे प्रदेश के अंदर सारे देश के अंदर जो अमित शाह का एक अडंबर बना रहे हैं कि मोटरसाइकिल लेके आएंगे, 1 लाख मोटरसाइकिल होंगे, कितनी कानून की धज्जियां उड़ेंगी आप ये देखिए किस तरह से
जो चलो ये करे रैली, हमें रैली करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो जहां तक कितना पोल्यूशन फैलाएंगे, ये पोल्यूशन की बात करने वाले लोग हवा में उड़ा रहे हैं पोल्यूशन, ये बात कहना चाह रहा था। दूसरी बात एक और, जहां तीसरी बार फिर दोबारा हरियाणा के अंदर फौज को निमंत्रण दिया गया इस सरकार के द्वारा, हरियाणा के लोगों का कितना पैसा बर्बाद किया इस सरकार ने, आप ये देखिए हरियाणा की जनता जो है ये अपील इनसे उम्मीद नहीं करती थी कि ये इतना इतना पैसा जो है हरियाणा का बर्बाद करेगी ये जनता, जनता का, और इस तरह से रैलियां करेंगे ये सरकार, और ये सरकार का पैसा, ये सरकार का पैसा नहीं होगा ना, ये पार्टी पार्टी का कार्यक्रम है, ये पार्टी का कार्यक्रम रखेगा उम्मीद। देखिए पार्टी के कार्यक्रम में आपने जब आप इतनी टुकड़ियां बाहर से मंगा रहे हो फौज की, आप डरते हुए आप ये काम कर रहे हो, किस तरह से हरियाणा पहले तीन बार जल चुका, हरियाणा में कितना नुकसान हो चुका, उसके बाद ये अब जो हाल दूसरा करने जा रहे हैं कि फिर दोबारा हरियाणा के अंदर फौज, वो भी एक जब फौज आती है तो उसको खर्चा दिया जाता है और वो हरियाणा के लोगों का पैसा है और वो दिया जा रहा है, इससे कांग्रेस को परेशानी है कि हरियाणा की जनता के खून टैक्स की कमाई ऐसे ये लोग लुटाने लग रहे हैं। ज्योति एक चीज बार-बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है, सभी नेता कह रहे हैं कि 100% कामयाब होगी, 100% कामयाब होगी। एक वीडियो वायरल हुआ है 500-500 रुपए दिहाड़ी पे जनता को, लोगों को लेके आने का, इस तरह से तो भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। एक और नया इन्होंने वो कि मोटरसाइकिल जो लेके जाएगा उसकी मोटरसाइकिल की सर्विस एक साल के लिए फ्री, इस तरह का ऑफर दिया जा रहा है। और अभी मैं आपको दावा किया गया था, मुझे पंचकुला के फिगर मेरे पास है इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं कि जी 1000 मोटरसाइकिल जाएंगे पंचकुला जिला से, 126 मोटरसाइकिल टोटल गए हैं, उसमें से कितने वहां तक पहुंचेंगे ये अभी समय बताएगा। भंडारी साहब, एनवायरनमेंट पर कितना असर होगा, कितना नेगेटिव? पर्यावरण के ऊपर स्वाभाविक है कि इम्पैक्ट इसका पड़ेगा जी, क्योंकि 1,00,000 बाइक जब चलेगी तो उससे फर्क पड़ता है, और जब बाइक खड़ी होती है रैली में तो उसको बार बार एक्सेलरेट भी करना पड़ता है जी। पर यह सिर्फ एक पार्टी को लेकर नहीं है, सभी पार्टियों की है कि किसी भी पार्टी की जब रैली चलती है तो मोटरसाइकिल की हो, कार की हो, अगर आप हमारे धार्मिक गुरु जो हैं उनकी भी देखें तो उसमें भी इस तरह की बहुत सी दिक्कतें आती हैं। पर यहाँ पर हम सिर्फ प्रदूषण की ही बात नहीं करेंगे, जो क्राउड मैनेजमेंट है जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, उसको जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इसके कारण, उसके ऊपर भी सोचना जरूरी है। अच्छा होता कोई भी रैली हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी पार्टी हो, अगर उसमें अगर हम कहें कि इतनी गाड़ियां ले जाने से ज़्यादा अच्छा है कि इतने पेड़ लगाएं हम, ये सभी पार्टियों को सोचना, तो कोई और भी पार्टी, इसके ऊपर एक नियम बनना बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स अलाउड कितने होने चाहिए जी, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। तो इसके ऊपर सभी पार्टियों को मिलकर आगे आना चाहिए। मामला एनजीटी तक भी गया और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक भी गया, हालांकि सरकार को राहत मिली है, कानूनी पक्ष। ज्योति जी देखिए, जहां तक राहत की बात है मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि पटिशन है ना वो टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हुई है। जहां तक कानून की बात की जाए तो सबसे पहले हमने सोचना पड़ेगा क्या मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन होगी या नहीं। 1,00,000 यदि मोटरसाइकिल का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का जींद में जाने का है तो डेफिनेटली इतने व्हीकल जाएंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन होगी। क्या वो रोक पाएंगे कि सभी के पास, उन लोगों को रोक पाएंगे जिनके पास हेलमेट नहीं है वो जींद ना जाएं? क्या वो रोक पाएंगे कि स्पीड 30 की स्पीड रखें, 50 की स्पीड रखें, या नेशनल हाईवे के ऊपर जो मोटरसाइकिल की प्रेस्क्राइब्ड स्पीड है उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म आज देखा जाए, हम सेंटर से फोर्सेज मांग रहे हैं आज के दिन, तो उस टाइप की वायलेशन हो सकती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए था रैली करने से पहले। रैली करना कोई बुरी बात नहीं, बट आज के ज़माने में यदि ये अवॉइड हो सकती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश स्तर पर भी है और सेंटर में भी है, यदि वो कुछ मैसेज जनता तक देना चाहते थे वो टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते थे। आज ऐसी रैली की इन परिस्थितियों में जब उनकी सरकार है नहीं जरूरत थी, नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरा मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, क्योंकि आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, जब इतने लोग जाएंगे हादसा होगा, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे, तो स्टेट के अंदर
क्राइम की रेशो बढ़ सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा टेक्निकल ग्राउंड पे पिटीशन डिसमिस हो, उसका मतलब ये नहीं है राहत है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को कानूनी तरीके से ये रैली फेस करनी पड़ेगी। आप यहीं पर देखिए जिस तरह से अनिल विज के सामने जो बैठे हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा, रैली के संयोजक सीएम साहब के पीछे बैठे हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा, क्या बीजेपी सुनिश्चित कर पाएगी कि सभी लोग हेलमेट के साथ ही पहुंचेंगे? ज्योति जी, अब मैं मेरे माननीय साथियों से कहूंगा कि मेरा एक मिनट के लिए ध्यान से सुने जो 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 सवाल उठे हैं। मेरे साथ वातावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर भंडारी जी के हैं, इन्होंने कहा कि प्रदूषण का बहुत खतरा है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा उन्होंने ऐसे किया। तो मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से सारे हरियाणा और हिंदुस्तान के सारे निवासियों को कह देना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जितने भी मोटरसाइकिल होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास पीवीसी का सर्टिफिकेट होगा, पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट होगा, उनकी स्पीड तय की गई है। तस्वीरें हैं सर, जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, क्या आप लोगों की गंभीरता को नहीं दर्शाती? नहीं, मैं यह कहना चाह रहा हूँ सांकेतिक रूप से अगर बात कर ली जाए कि मंत्री साहब के पीछे जो बैठते हैं, सीएम साहब के पीछे जो बैठते हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, ट्रैफिक के नियमों को कितना गंभीरता से लेंगे? कल की जो रैली है उसमें पूरा 100% ट्रैफिक के जो नियमों का पालन जो मेरे आज पालन किया जाएगा, कल के लिए इंतजार है, बोलिए क्यों ढिंगरा जी, कल के लिए इंतजार है। देखिए आज जरूरी नहीं था क्योंकि आज जायजा लिया गया था, कल चूंकि रैली निकल ली है, आज ये ट्रायल था, इसमें जरूरी नहीं था कल हेलमेट पहन के पहुंचेंगे। देखिए बात ये है, जब आगाज ही इस तरह का है तो अंजाम क्या होगा। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से J&K के हालात है, वहां पे फौज है सारे प्रदेश के अंदर, इसी तरह से हरियाणा के अंदर तीसरी बार फौज आ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये रैली कोई सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं कर रहे, ये अमित शाह सारे देश पूरे प्रदेश जितनी स्टेटें हैं सभी में करने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कानून की धज्जियां किस तरीके से पूरे प्रदेशों में उड़ाएंगे ये। लेकिन आप जो आगाज है उसकी आप पिक्चर भी दिखा रहे हो, लेकिन सवरिया साहब भाषण देने में व्यस्त है, वो अपनी एक जो लिखी लिखाई सोच है वो बताना चाहते हैं तो। कि हम इस तरह से करेंगे, वो ये सर्टिफिकेट लाएंगे। अरे सर्टिफिकेट तो ये सामने नजर आ रहा है कि वो विदाउट हेलमेट पीछे बैठे हुए हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं है क्या? जब मंत्री पीछे अपने और मुख्यमंत्री पीछे बगैर हेलमेट के लोगों को बिठा रहे हैं तो सर्टिफिकेट बांधने की आपकी जरूरत जो है वो कलई सीधी खुल रही है। दूसरी बात, जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता भाषण देने के लिए बात करते हैं तो वो भाषण प्लीज मत दें। आप ये देखें एक्चुअलिटी में क्या बात है, एक्चुअलिटी में क्या है, जहां पे प्रैक्टिकल होता क्या है वो देखना चाहिए। उनका खा के मंदिर में जाए, अरे प्रैक्टिकल क्या है वो देखें। पार्टी को बीजेपी पार्टी रैली ना करे, आपका बीजेपी बढ़ रहा है, आप आराम से सोचिए, आराम से जवाब दें। क्या बात है, आप बीजेपी मत बनाए, आप चले सरवारे साहब, आराम से बीजेपी के लिए रहेगा ये कि ट्रैफिक के नियम है उनकी भी पालना की जाए, जो कोर्ट में कहा गया सरकार की ओर से उसकी भी पालना की जाए। देखिए एक तो पहले आप ये उम्मीद करते हैं कि जब कोई आप बोल रहे हो तो कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आप दूसरे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। सुनिए अभी आपने देखिए ऐसा मत कीजिए, देखिए दो चीजें हैं ज्योति यहाँ पे। अभी जैसे प्रताप जी ने एक बात का जिक्र किया था कि जो पार्टी सत्ता में है उसके पास अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा तंत्र होता है, तो रैली किस लिए? क्या ऐसी बड़ी अचीवमेंट है हरियाणा भाजपा सरकार की कि जो वो रैली करना चाहती है? जो सरकार तीन बार प्रदेश को जला चुकी हो, लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति जल के खाक हो चुकी हो, 100 से ज्यादा लोग गोली से मार दिए गए हो, ऐसी क्या अचीवमेंट है उनके पास? लेकिन एक बड़ी विडंबना और होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर नेता तक वो चाहते हैं कि वो जो भाषण दे लोग उसको माने, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि जिस दिन मोदी साहब ने 15-15 लाख रुपए खाते में आने का वायदा किया था और अमित शाह जी ने दिल्ली रैली में जब ये बोल दिया था कि वो चुनावी जुमला था, लोगों ने आपकी बात का विश्वास करना छोड़ दिया। बीजेपी के भीतर की उन बातों की हम बात करेंगे जो कि खुलकर बाहर सामने आ चुकी है। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि न्योता नहीं मिला, उसके बाद सीएम साहब ये कहते हैं कि सबको आमंत्रित किया गया था, एक बार वो सुने। नहीं, मेरे को कोई आमंत्रण नहीं मिला। तो मैं अपने प्रोग्राम में जींद रैली में जाके ही आया था और पीछे 26-11 की हमारी रैली थी वहां पर, लेकिन मैं इस व्यवस्था के बीच में विश्वास नहीं। जिस प्रकार से
सरकार लोगों की कंडीशनों और पैरामीटर के ऊपर समझौते करके रैली कर रही है। मैं इस व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता। सबको बुलाया हमने। तो दोनों को आपने सुना, सीएम कह रहे हैं कि सबको बुलाया है। सनवारे साहब, ये नौबत कैसे आ जाती है कि पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रमुख को जिस रैली में आना है उसके लिए सांसद को आमंत्रित ही नहीं किया गया? ज्योति जी, इससे पहले तो मैं मेरे छोटे भाई प्रवीण जी को कह दूं कि मैं बीच में मैं कहना चाह रहा हूं सभी अपने यहां पे जो पैनलिस्ट हैं कि वो एंकर साहब की हुक्म मानते हैं तो मेरे ख्याल से काम डिबेट अच्छी तरह से चलता है। हुक्म नहीं, हालांकि चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। एक एंकर हुक्म होता है। सनवारे साहब, अपील है, मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल के जवाब पे आइए। हमारी पार्टी नहीं, उसका हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ इनविटेशन नहीं दिए जाते। हम एक तो जो उनको साहब बात रही है कि हमारा इनविटेशन नहीं आ, वो जो पार्टियां जो एक बिल्कुल हायरार्की से नहीं दिए जाते, तो इनविटेशन नहीं दिए जाते। हमारा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, सबकी ड्यूटी होती है कि जितनी अपनी वो कैडर्स में पावर के मुताबिक से वो जाके राजकुमार सैनी जी से जाने के वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैनी साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। अभी आपने सनवारिया साहब को सुना, आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी ओर से कहा गया कि कैडर बेस्ड ये पार्टी है, इसमें इन्विटेशन नहीं दिए जाते। तो राजकुमार सैनी फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इन्विटेशन नहीं मिला, न्योता नहीं मिला? चलिए कोई बात नहीं, इनविटेशन भी अब जो है ना, जिला अध्यक्ष के साथ 8-10 आदमी लेके आए थे, वो अपनी जाप्ता पूरा कर गए हैं। हाँ। और जो है ना, वो मैंने उनको बोला है कि ठीक है भाई, 10 दिन से तैयारी चल रही है, उसमें जो है ना मैं भी यहीं पर बैठा हूँ और स्थिति जो है ना, जिस बात को देख करके इस प्रदेश के अंदर रैली करने के लिए उन लोगों को, जिन लोगों ने इस रिजर्वेशन के पीछे पूरे प्रदेश का हालात जो किया, अगर उनके पैरामीटर पर हम रैली करेंगे और उनको उनके कंडीशनों पर समझौते करके हम कुछ जनता को मैसेज देना चाहते हैं, तो इसके इसमें मेरी राय सम्मिलित नहीं है। हाँ। क्योंकि जब सरकारें इस तरह के एक आदमी के आगे, उसकी थ्रेटनिंग के आगे, उससे कंप्रोमाइज करके, उससे डर करके, अगर हम उनके बलबूते उन लोगों को छोड़ेंगे तो देश के अंदर कानून की व्यवस्था क्या रहेगी? कौन लोग कानून पे भरोसा करेंगे? जी। कोई किसी के घर को उजाड़ दे, कोई किसी के बाजार को उजाड़ दे। दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्या राजकुमार सैनी इस रैली में शामिल होंगे? जी नहीं, मैं नहीं जा रहा। सनवारे साहब बोलिए। जी देखिए, सैनी जी हमारे एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई मजबूरी होंगी। हाँ। वो कल और लीडर भी हैं हमारे, बहुत मेंबर पार्लियामेंट हैं, बहुत अच्छी तरह पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनकी कल मजबूरी। उन्होंने कहा कि 10 दिन से वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ही मजबूरियां हैं, कि सरकार ने घुटने टेक दिए समुदाय विशेष के सामने। देखिए व्यक्ति, आप राजकुमार सैनी की मजबूरियां बता रखी है, सैनी साहब आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की मजबूरियां बता रखी है। कल किसी काम की वजह से शायद वो नहीं जा पाए, अदरवाइज हर एक रैली में उनका। सनवारिया साहब, अभी तो चर्चा में हमारे साथ राजकुमार सैनी जी भी है और उनकी ओर से साफ कहा गया है कि कार्य उनकी कोई उनका अपना काम होगा सर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। राजकुमार सैनी जी, एक बार फिर से आप, हालांकि उनसे पूछते, एक बार फिर से उनको चर्चा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। केवल ढिंगरा जी, राजकुमार सैनी को सुना, इससे पहले बाइट भी हमने सुनवाई जिसमें साफ कहा गया था कि समाज के हितों के साथ समझौता करके जो रैली की जाएगी उसमें राजकुमार सैनी नहीं आएंगे। देखिए वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सवरिया साहब ने अभी ये कहा, बीजेपी प्रवक्ता ने, कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। हाँ। देखो कैसे दिख रही है, आप तो फौजी हैं और इनविटेशन जो है वो देते नहीं आप, वो कहते हैं नहीं दिए जाते। अभी आप वो कह रहे हैं कि आज ही दे गए जिलाध्यक्ष, तो फिर वो क्यों दे गए? आप ये देखिए ना, किस तरह की कैडर बेस्ड पार्टी है, और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। ये कह रहे हैं कि हम कुछ आप देख लीजिए ये किस तरह का कैडर है। हाँ। ये कैडर सारे देश को पता लग गया आप, और ये है कैडर जो है इनका फैलता जा रहा है, जिससे इनकी सरकार आई है। मोदी जी ने किस तरह से अडवाणी जी को उठा के बाल की तरह बाहर किया, किस तरह से यशवंत सिन्हा जी को पार्टी से बाहर किया, ये सारे कैडर दिखते हैं इनके, और यहीं पे ये कैडर भी दिखने लग गए, और अभी आपने जोड़ा उनको तभी भी कैडर दिख रहा है। ये बड़ी अच्छी कैडर पार्टी है, ये लोगों को समझ आ रही है अब कैसा कैडर है इस पार्टी का। ज्योति, एक चीज इसमें बड़ी बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझना बड़ा जरूरी है। एक तो अभी जैसे ढिंगरा जी ने बता दिया, सनवारे जी ने भी बोला था कि इनविटेशन नहीं देते और वो कहते मिल गया, और दूसरी बात सनवारे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है, अगर आपने देखा होगा
राजकुमार सैनी जी पहले दिन से पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते हैं। हाँ। पार्टी के नेता उनके बयान को उनका व्यक्तिगत बता देते हैं, पार्टी का नहीं बताते। मतलब ना तो वो पार्टी की विचारधारा से सहमत है, पार्टी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, ना तो पार्टी उनको बाहर निकालती, ना वो पार्टी को छोड़ते। हाँ। इससे आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। राजकुमार सैनी जी आवाज मिल पा रही है आपको? राजकुमार सैनी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए एक बार फिर से उनसे सवाल पूछने की कोशिशें हम करेंगे। अपने आप सवाल तब उठ जाता है सनवारिया साहब जब पार्टी के प्रमुख को आना होता है। सांसद साफ तौर पर ये कह देते हैं कि शामिल नहीं होंगे। आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं कि एक समुदाय के सामने आप झुक गए हैं। दुकानदारी सीधे तौर पर बीजेपी कर रही है। ये राजकुमार सैनी ने आज दिन में फोन पर जब बातचीत की, साफ उनकी ओर से कहा गया कि दुकानदारी कर रही है सरकार एक समुदाय विशेष के साथ। बोले, देखिए अभी मेरे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने ये कर दिया उसको नाम ले लेकर के। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं वो गिनाना नहीं चाहता कि किस तरह से राजीव गांधी ने एक सदियों का सीएम को किस तरह से बेइज्जत किया था। आज दिन में फोन पर भी बातचीत की, खबरें अभी तक पर फोनलाइन पर भी मौजूद है, अभी भी आपने उनको सुना। देखिए अब क्या करूंगा मैं अब मुझे अभी आप राजीव गांधी में पहुंचे, बिहारी में पहुंच जाएंगे, बात तो आज की हो रही है। चलिए राजकुमार सैनी जी से खुद जानेंगे। राजकुमार सैनी जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता पैनल पर ये कह रहे हैं कि राजकुमार सैनी को कोई जरूरी काम होगा जिसके चलते वो रैली में शामिल नहीं होंगे। देखिए संगवान जी मेरी बात सुन लो एक मिनट के लिए। ये भाई जो अत्रे जी और प्रवीण अत्रे और डिंगरा साहब कह रहे हैं, 70 साल तो इसको कांग्रेस चाट गई, 70 साल तो कांग्रेस ने चाट लिया इस देश को। और इसकी स्थिति देश की क्या बनी कि 70 में से 55 साल जिस पार्टी को 12 बार सरकार बनाने का मौका मिल गया वो कैडर की भाषा हमें समझाए और इन लोगों को ये पता करना चाहिए कि क्या सोनिया दरबार में जो चाटू बात तो सुना रहे हैं आप ही की बात कर रहे हैं। हमारे पहले बताइए राजकुमार सैनी जी, उन 70 सालों में उस पार्टी के साथ कितने दिन रहे तब बात कीजिए आप। राजकुमार सैनी जी आप उन 70 सालों में उस पार्टी के विधायक भी रहे और उस पार्टी की टिकट पे आपने 3,000 वोट भी लिए हैं, आप ये बताइए तब वो पार्टी कैसी थी। राजकुमार सैनी जी आप इनेलो से सवाल पूछेंगे, इनेलो आपसे भी सवाल करेगी सर, लेकिन आप फिलहाल मुद्दे पर अगर बात कर ली जाए, आपकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमारे सांसद अगर रैली में शामिल नहीं होंगे तो उनको जरूरी काम होगा, आपकी ओर से कोई और दलील दी जा रही है इसी विषय पर? बिल्कुल हो सकती हैं, मेरी और 70 मजबूरियां हो सकती हैं जी, आपकी 70 मजबूरियां। फिर सर, फिर ये हवाला कम से कम ना दिया जाए कि एक समुदाय विशेष के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। देखिए ये तो आपको मालूम है कि जिस प्रकार का पैटर्न देश के अंदर यशपाल मलिक की वजह से इस देश के अंदर, क्या कोर्ट भी यशपाल मलिक चलाएगा या एडमिनिस्ट्रेशन भी वही चलाएगा, सरकार भी वही चलाएगा? 5 घंटे की बैठक की जाती है सर, सीएम बैठक करते हैं, 3 चरणों में बैठक की जाती है। राजकुमार सैनी जी फिर ये पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते आप, क्यों चिपके हुए इस पार्टी के साथ? एक तरफ तो आपकी पार्टी की विचारधारा यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं, पार्टी आप छोड़ते नहीं हो, पार्टी आपको निकालती नहीं है, ये ओछी राजनीति छोड़ दीजिए, आप अपने स्टैंड पे कायम नहीं हो। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरी होशता कोई बचता है, दूसरी तरफ आप अपनी पार्टी पे इल्जाम लगा, अरे कुछ तो स्टैंड रखिए अपना। अरे अत्रे जी तेरे जैसे वो तेरे जैसे मत बोल राजकुमार, तेरे जैसे 50 को जानता हूँ, तमीज रख बात करने की। पहले तुम इसलिए हम कभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, जिस आदमी ने कानून बनाना है वो अच्छी बातें बोलता है, जिस आदमी ने कानून बनाना है वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे। अपील करती हूँ एक प्रवक्ता के साथ चर्चा में किस तरह से बातचीत की जाए, इस भाषा की मर्यादा का आप क्या ये कानून बना पाएंगे पार्लियामेंट में बैठ के? ऐसे मेंबर पार्लियामेंट जो असभ्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तेरे जैसे वर्ड को यूज करते हैं। राजकुमार सैनी जी आप डिबेट के काबिल नहीं है। सारण जी बात के लिए सॉरी। राजकुमार सैनी जी, कांग्रेस को कोस लेने से क्या जो कल की जो तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है जिसमें राजकुमार सैनी रैली में शामिल नहीं होंगे, क्या वो तस्वीर बदल जाएगी क्या सर? हम सांगवान ज्योति जी ये स्पष्ट कर दें कि मेरे पास अभी मैसेज आया था
और हमारे जिला अध्यक्ष जी और बहुत सारे लोग आए थे, मैंने उनको बोल दिया कि मेरी कोई अर्जेंसी है, मैं नहीं जा पाऊंगा। पहले जो हवाला दिया गया सर, उस पे भी स्टैंड क्लियर कर देते तो बेटर था, हालांकि फोन यहाँ पर कटा है जी। क्लियर करेंगे यहाँ से तो पता लगता, मैं वही जो बार बार। चलिए, सांसद बीजेपी के सांसद जो की कुरुक्षेत्र से आते हैं वो इस रैली में नहीं जाएंगे, साफ कर दिया गया। अमित शाह की रैली को लेकर, हुंकार रैली को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं, सरकार तैयारियों में जुटी है और विपक्ष भी तैयारियों में जुटा है कि विरोध किया जाना है, काले झंडे दिखाए जाने हैं, काले गुब्बारे दिखाने जाने हैं, और जो अशोक तंवर है वो साफ कह चुके हैं कि वो भी बाइक लेकर जींद पहुंचेंगे। इसी बीच कितनी कामयाबी रैली होगी, और साथ ही हरियाणा से ही शुरुआत क्यों की गई और जींद से ही शुरुआत क्यों की गई, इसका जवाब देने की भी कोशिशें करेंगे कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रवीण अत्री जी, क्या लगता है पूरे देश में जब बाइक रैली निकाली जानी है, हरियाणा से ही शुरुआत क्यों? देखिए, बड़ी सीरीज है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बना के सत्ता में आई है, उसकी पूरी कोशिश रही है किसी तरह हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को आपस में बांट दो, लोगों को आप लड़वा के भाईचारे को तोड़ दो। और ये केवल हरकत जो है, मैं तो ओछी हरकत कहूँगा, ओछी इसलिए कहूँगा क्योंकि वोट की राजनीति के लिए समाज के भाईचारे को तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह मानता हूँ नैतिकता के हिसाब से, जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किया अपने कुछ नेताओं को सामने करके। जहां तक ज्योति जी, बार बार एक सवाल आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, दावे भी किए जा रहे हैं कि रैली कामयाब होगी। देखिए, अगर आप भीड़ को 500-500 रुपया देके इकट्ठा करना चाहें, अगर आप एक साल की मोटरसाइकिल सर्विस फ्री का ऑफर देके लोगों को इकट्ठा करना चाहें, जो इस तरह की कोशिशें हैं उससे पता लग जाता है कि रैली कितनी कामयाब होगी। लेकिन हमारा मुद्दा वही है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा विरोध रैली का नहीं है, हम तो केवल ये कह रहे हैं अमित शाह जी, प्रदेश में आने से पहले जो आपने वायदे किए हैं, जनता उनका जवाब चाहती है, अब बताएं आप उनको पहले पूरा कब कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बाकायदा अमित शाह जी को पत्र लिखा, उनसे जवाब मांगा, आज तक कोई पत्र का जवाब नहीं आया। और जब भी हम इस बात सवाल उठाते हैं कि SYL का निर्माण कब कर रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई सटीक जवाब देने की बजाय तरह तरह के उल जुलूल बयान दिए जाते हैं। अब इन्होंने एक सवाल भी बोल दिया था कि काले चीथड़ों से हम नहीं घबराते। अरे साहब, काले चीथड़ों की बात आप तब करें, मुख्यमंत्री जी खुद बाइक पे बैठ के काला पटका पहन के अपना विरोध तो वो खुद ही कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि उनके पीछे जो व्यक्ति बैठा है वो हेलमेट पहने हुए नहीं है, जिस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं उसके फ्रंट पे नंबर प्लेट नहीं है। आपके अपने नेता जब कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कानून पालना की बात, जो आपने हलफनामा आज हाईकोर्ट में दिया है कि कानून की पालना होगी, आप खुद उसका अवहेलना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है केवल मात्र वोट, और उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, जो इन्होंने किया है प्रदेश के अंदर, आपने देखा है जिस तरह से प्रदेश को जलाया है, जिस तरह से लोगों की गोली लगने से जान गई। और एक और चीज है जो शुरू में ही सवाल उठा था, इस प्रदेश में चौथी बार अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया, 4 साल अभी सरकार को पूरे नहीं हुए हैं, सरकार कहीं ना कहीं खुद ब खुद ये बात मान चुकी है कि हम फेल है, हम कामयाब नहीं है। आप अपने केंद्रीय अध्यक्ष को बुलाते हो और साथ में पुलिस अर्धसैनिक बलों को बुलाते हो, उससे पता लगता है कि धरातल पे नहीं है। क्या वाकई बहुत मुश्किल था कानून व्यवस्था को बनाए रखना? देखिए ज्योति जी, अभी अत्रे साहब ने कहा कि 500-500 रुपए देके ये रैली में हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, चलो उनके अपने उद्गार है, उनका एक्सपीरियंस है, जो वो करते रहे कह दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अर्ध सैनिक वो वीडियो आने को बुलाया गया, नहीं सुनिए नहीं, वीडियो तो आप सुना, आप सब कुछ चला सकते हैं, जब हम चलाने लगे तो आप बातें मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो अर्ध सैनिक और जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, कल अमित शाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जेड सिक्योरिटी के आदमी हैं, मेरे पॉलिटिकल पार्टी लोग जो अपोजिशन के लोग हैं, एक कहता है मैं उसकी टायर को पंक्चर कर दूंगा, एक कहता है मैं उसकी रैली, उनके दो लीडर इनका जिनका जो प्रेसिडेंट कांग्रेस का, वो तो कहते हैं कि मैं वहां जाके मोटरसाइकिल लेके जाऊंगा, दूसरे इनके एक्स जो चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब है वो कहते हैं रैली से हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स जो है, लॉ एंड ऑर्डर, मैं अपने हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत आभारी हूं कि वो बहुत शांति प्रिय है। केवल डिंगरा जी, ये सारे के सारे कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ये कहते हैं कि सरकार का विरोध करे विपक्ष उसका काम है, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम है उसका भी विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, हम बिल्कुल कोई विरोध नहीं कर रहे, नंबर वन। दूसरी बात, आप देखिए कि आप टीवी चैनल पे खुद चला रहे हैं कि बिना नेम प्लेट के बाइक चला रहे हैं मुख्यमंत्री खुद, और जो उनके साथ मंत्री हैं वो खुद, आप ये देखिए विदाउट हेलमेट पीछे लोग बिठा के खुद खुद चलवा रहे हैं, और ट्रैफिक रूल को अवहेलना जो है ये खुद कर रहे हैं, खुद जो अगर मुख्यमंत्री हरियाणा के खुद ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ेंगे तो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये देखें। भाईचारा तोड़ने की प्रवीण अत्रे जी ने बात कही थी हरियाणा के अंदर, ये वो बिल्कुल सही है, भाईचारा तो ये हरियाणा का नहीं तोड़ रहे, पूरे देश का तोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा सारे देश के अंदर जातिवादी दंगे जो हैं
वो सारे फैल रहे हैं, वो किस तरीके से फैल रहे हैं, वो 3.5 साल में इनकी सरकार के अंदर ही क्यों फैल रहे हैं। हाँ। पहले तो शांति थी, अब 3.5 साल के अंदर क्या माहौल बना दिया पूरे देश का, पूरे देश में जातीय दंगे फैलाने वाली सरकार है ये। और आपको ये दूसरी बात और बताऊं, ये यहाँ पे सिर्फ कहने के लिए 500-500 रुपए के सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है कि एक विकास नाम के आदमी है जिसके जिसने 500-500 रुपए हमने देने हैं और हमें इस बाबत बुलाया गया है, रैली के अंदर हम आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, पहली 3 रैलियां मैंने आपको जिक्र किया, सोनीपत, जींद और राजकुमार सैनी की रैली, तीनों के अंदर लोग ही नहीं आए। जिस तरह से 3.5 साल का शासन लोगों के साथ किया, हालांकि हमने अभी तक ना ऐसा कोई वीडियो दिखाया ना किसी तरह की पुष्टि भी करने वाला है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अगर वायरल हो रहा है, क्या उसकी गहराई तक जाने की बीजेपी कोशिशें करेगी? नहीं ज्योति जी, इन चीजों के जो गीदड़ भभकियां या जो वीडियो दिखाना, हमें उसमें कोई सुनने का मजा रखिए। ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने अशांति सारे देश में फैलाई हुई है, अरे क्या भूल गए तुम 1984 के उन नरसंहार को? आप लोग कोई पार्टी नहीं है, 25 साल पीछे को चले जाओ पार्टी, आज की बात कर रहे हैं, चर्चा के लिए बैठेंगे आप सिख दंगों की बात करेंगे, सारी नहीं ये बातें, आप सिख दंगों की बात करेंगे, जिस मामले में बहस हो रही है उस मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं, हमने कौन सी धमकी दी आप लेके जा रहे हैं, हमें ना पास, हमारे पास गीदड़ है ना धमकी है, अदालत में साफ कर दिया गया कि पार्टी का अधिकार है लोकतंत्र में इस तरह की रैलियां करना। देखिए, रैली करना उनका एक अपना, पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, जहां तक मौजूदा परिस्थितियों में रैली जिस तरीके से की जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बीच में बैठे और बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं, यदि 1 लाख मोटरसाइकिल आते हैं तो मीनिंग देर भाई 10 लाख लीटर तेल लगेगा, जिस समय तेल की कीमत आज चरम सीमा पर है, क्या ये तेल फूकना उचित है? क्या अपना मैसेज दूसरे तरीके से नहीं दे सकते थे? यदि 10 लाख लीटर तेल लगता तो आपका तेल कई करोड़ रुपए में जाता है, जिससे स्टेट की डेवलपमेंट हो सकती थी। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, जो आप पूरे स्टेट को मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से चोक करना चाहते हैं, आप स्टेट की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, सभी कार चालक जाएंगे वो भी रुक जाएंगे, बसेज भी रुकेंगी और आपका बिजनेस भी रुकेगा, इतना बड़ा लॉस। मैं पूछ रहा था, सरकार के पास, पार्टी के पास अधिकार है? देखिए, जहां तक कानूनी है, इनको कानूनी कोई ऐसा नहीं है कि इनको रोक सके कि ये रैली नहीं कर सकते, रैली करना इनका अपना एक अधिकार है। ये देखिए, आर्टिकल 21 बड़ा क्लियर है, इनके ये इनके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये रैली अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकते हैं, रैली कर सकते हैं। हाँ। बट मौजूदा स्थितियों में इनको देखना चाहिए, मौजूदा स्थितियों में जब पूरे देश के अंदर काफी देर से चर्चा में नहीं जोड़ा भंडारी साहब, आएंगे आएंगे आपके पास आएंगे, ठीक है, पॉलिटिकल बात भी करेंगे। पोर्टल की रिपोर्टिंग है जिसमें 500-500 रुपए दे के लोगों को रैली में आने के बारे में कहा, ये रिपोर्टिंग। विपक्ष की जो है गिमिक्स है वो दिखाने, आप देखिए दूसरे को भाषण, ये जो वीडियो क्लिपिंग है इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है, कुछ चंद घंटों की बात है, कल शाम के टाइम में यहाँ नहीं, गुजरात में राहुल गांधी जब रैली करते हैं वीडियो उस टाइम भी इस तरह की आई थी, लेकिन बीजेपी की भाषा उस वक्त अलग तरह की थी। तो ये कहने का मतलब हमने उस वक्त भी पुष्टि नहीं की थी, हम इस वक्त भी पुष्टि हम नहीं कर रखे थे, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जब इस तरह की बातें होती है तो आप लोग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। हाँ नहीं नहीं, वीडियो का कोई पुष्टि होने का सवाल ही नहीं उठता, जब सवाल अभी आपसे पूछ रहे हम लोग, अब मैं प्रताप सिंह जी ने एक वैलिड, 1 लाख बाइक अगर किया जाए कितना नुकसान? प्रताप सिंह जी, 1 लाख बाइक अगर पहुंचती है कितना नुकसान? भंडारी साहब, 1 लाख बाइक से काफी नुकसान होने वाला है, और मैं पक्ष विपक्ष सभी को सुन रहा हूं, रैली के खिलाफ कोई नहीं है, ये एक समय की प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो ट्रैफिक है एवरीडे फिनोमिना है, हर दिन की हमारी ये है, पर इसको हम ये नहीं जोड़ सकते
जो पोल्यूशन एक बार निकल गया वो एक दिन का नहीं है, वो कई सालों तक चलता है। तो प्रदूषण के ऊपर हमें सोचना चाहिए, और मैं बार बार इस चीज का पक्षधर रहा हूं कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है कि हमें, हम जो अपना अगर संदेश देना चाहते हैं वो एक स्थान से दे सकते हैं जी। जिसके लिए हमें, या हम इसको शक्ति प्रदर्शन के साथ जोड़ सकते हैं, और जिस तरह से चल रहा है, कभी राहुल गांधी जी की भी रैली होती है, नरेंद्र मोदी जी की भी रैली होती है, इवन आम आदमी पार्टी की भी रैली होती है, सबकी रैली होती है, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर होता है कि हम अपना शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा की आवाम के लिए कुछ खास रहेगा इस रैली में? देखिए, हरियाणा की आवाम के लिए अगर कुछ खास रहता तो हमें काले झंडे दिखाने की जरूरत ही नहीं थी ज्योति। हरियाणा की आवाम तो SYL का पानी मांग रही है, हरियाणा का किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहा है, हरियाणा का युवा रोजगार मांग रहा है, और हरियाणा का आमजन अच्छी कानून व्यवस्था मांग रहा है। हैरानी होती है कि एक शहीद की विधवा अपने रोजगार के लिए मुंडन करवाना पड़ता है इस सरकार को जगाने के लिए, इससे निंदनीय क्या होगा? एक महिला को यह कदम उठाना पड़े अपने रोजगार के लिए, और वो शहीद की विधवा है, सरकार जागती नहीं है, और यह सरकार रैली करके ये दावा कर रही है कि हम 1,00,000 मोटरसाइकिल इकट्ठा करेंगे। कम से कम उन महिलाओं के बारे में सोच लेते, उन युवाओं के बारे में सोच लेते जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आप ज्योति जी, हर वर्ग विरोध कर रहा है, क्या विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ऐसी उपलब्धियों की फेहरिस्त देख पा रही है जिसकी तारीफ कर पाए अमित शाह मंच के जरिए? नहीं, देखिए, ये आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिस समय 2014 था तो मोदी जी ने कैथल में रैली की थी, उस कैथल रैली में कुछ लोग बुलाए गए थे और वो लोग नारे मार रहे थे मोदी मोदी करके, जो सारे देश में जब भी मोदी जहां भी रैली करते हैं वो बुलाई गई भीड़ होती है जो बीच में नारे मारती है मोदी मोदी ऐसे करते हैं, वो सारे दुनिया को बताते हैं कि मोदी है एक और आदमी, और कोई आदमी पूरे देश में नहीं है। आप यही बवंडर सारे देश के अंदर बना रखा है इन लोगों ने। आप ये देखें कि हालात ये हैं इस समय, वो बद से बदतर है हरियाणा के। 154 वायदे इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, एक वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया, कोई काम ये करना नहीं चाहते, सिर्फ एक मोटरसाइकिल के शो पूरे देश में दिखा के कौन सी वोट मांगने की वो बात है। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने काम करके दिखाइए, आप अपने काम का 3.5 साल का वो दिखाइए कि आपने 3.5 साल के अंदर कौन से काम किए। आप हर पूरे देश के अंदर मोटरसाइकिल जो चलाने वाली प्रक्रिया कर रहे हैं उससे देश को लाभ क्या होगा, ये तो कम से कम बताना चाहिए कि भी इससे हमें ये लाभ होगा। लाभ की कोई स्थिति नहीं है, एक हवा क्रिएट करने वाला काम है जो कैथल की रैली में मोदी जी ने शुरू करवाया था। ज्योति जी, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा होगा अमित शाह जी कल जींद में डिक्लेरेशन करें कि हरियाणा को सेपरेट हाईकोर्ट मिलेगा, अच्छा होगा, हमें सेपरेट हाईकोर्ट की जरूरत है। और उसके साथ 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 जब तक सेपरेट हाईकोर्ट नहीं बनती, जो हमारे जजेस की नियुक्ति है उसमें हरियाणा को 40-60 रेशो में कोटा मिलता है, यानी 40 हमें और 60 पंजाब को, हमें 50-50 दे। आज हरियाणा की लिटिगेशन ज्यादा है, हरियाणा की कॉम्पिटेंसी ज्यादा है, हम ज्यादा कॉम्पिटेंट जजेज रखते हैं, और हरियाणा में उसके साथ साथ एडवोकेट्स ज्यादा हैं। अच्छा होगा यदि सेंटर हमारा 50-50 कोटा करे, और मैं ये भी कहना चाहूंगा अच्छा रहेगा यदि जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस जिन जगह पर नहीं बने वहां पर दे। हर एक तबके को उम्मीदें हैं आपसे, सरकार से। बिल्कुल ज्योति जी, उम्मीदें हैं और उस उम्मीद पे हम खरे उतरना चाहते हैं। अभी मेरे भाई, एक बार बात तो सुनिए यार, बीच सुनिए, बोलिए। हाँ, कहने का मुझे, प्रताप सिंह जी ने अभी कहा कि 1,00,000 मोटरसाइकिल चलेंगी, इतने करोड़ों का पेट्रोल फूक जाएगा। पूछना चाहता हूँ कि खुशी का कोई मोल होता है क्या? आप घर में शादी करते हैं वो 10 रुपए में भी, रुकिए, आपको खुशी नहीं होगी, आपके तो किस चीज की है बताएं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, अब हरियाणा की बात करना चाह रहा हूँ कि आज हरियाणा में हमारे 3 साल में 1,186 गांव में 154 वायदे पूरे करवा देंगे पूरे, उसके लिए हरियाणा की जनता के लिए भी खुशी है क्या? सलवारे साहब, साफ बताइए, क्या हरियाणा की जनता के लिए भी खुशी का पलक है? जो लोग बगावत की बात कर रहे हैं, जो लोग खिलाफत की बात कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर सामने आने की बात कर रहे हैं, जिनकी मांगे पूरी नहीं हुई, क्या उनके लिए भी खुशी का पल है ये? बिल्कुल, वो जो बताइए, बिल्कुल, जो हरियाणा के जो लोग बगावत पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने, अरे हम लोगों के नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल हरियाणा में लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। अब ये सुनेंगे तो आप हैं नहीं, मुद्दों को लेकर विपक्ष अगर कर रहा है, काले झंडे दिखाए जाने की बातें हो रही है, मुद्दों को लेकर हो रही है जनाब, मुद्दों को लेकर बात कीजिए ना। मुद्दों पे ही तो मैं आ रहा हूँ कि 3 साल में हर जनता को क्या चाहिए,
बिजली पानी जैसे 1186 गांव हरियाणा में 16% विलेज जो है 20% पानी जो बिजली का पानी हो चुका है जी, आपने बोल दिया। अब आपकी बिजली की सुनिए, अब आपकी बात खत्म होगी, उन्होंने मुझे बोला है, आपकी इस बिजली की सच्चाई को समझिए। बोलिए बोलिए। हरियाणा प्रदेश देश का वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। केंद्रीय बिजली मंत्री ट्वीट करते हैं कि हम 2.28 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने को तैयार है, कोई भी ले लीजिए, मगर हमारी प्रदेश की सरकार पीपीए करती है 4.44 रुपए, 4.60 रुपए, और वो पीपीए लॉन्ग टर्म पीपीए होते हैं। आप मानेंगे सनमारिया जी, 2500 करोड़ रुपया हर साल सरकार बिना बिजली खरीदे कंपनियों की जेब में डाल रही है। ये झूठ यहां मत फैलाइए, ये झूठ यहां मत फैलाइए। सुनिए एक और चीज, महत्वपूर्ण चीज ये जो भी प्रताप जी ने एक बात कही थी, जो पार्टी सत्ता में है बेहतर होता वो अपने सेक्रेटरी में बैठ के जनता के काम करती, उसके पास तंत्र अपनी बात पहुंचाने का, क्या जरूरत इस रैली की? ऐसी क्या अचीवमेंट है सिवाय ये कि 100 से ज्यादा लोग आपने मार दिए प्रदेश में 3 साल में, ये इसको आप अचीवमेंट मानते हो? युवा रोजगार के लिए तरह तरह उसको अचीवमेंट मानते हो? अरे अचीवमेंट क्या है जिसके लिए आप रैली कर रहे हो? आप सत्ता में रहते हुए रैली कर रहे हो? देखिए, हम हमारी जो हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों के विपक्ष की बात करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या इन्होंने पंजाब के समान वेतन मान का वायदा किया था? ये क्या ये इस रैली के माध्यम से बोलेंगे कि हम देंगे? दूसरी बात ये बोलेंगे कर्मचारियों को, हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे, ये बोलेंगे? इन्हीं की डिमांड थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये कर देंगे, 154 वायदों में जो बात थी, नौकरियां ये पूरी दे देंगे, आज तक हुई नहीं। और ये मानेंगे कि हम 2000 रुपया बुजुर्ग पेंशन दे देंगे, 6000 रुपया हम जो लोग हैं उनको दे देंगे, हिसाब देने नहीं आ रहे हैं। नहीं, हिसाब देने नहीं, क्या ये रैली के लिए कि हम अपने वादे पूरे कर देंगे? क्या ये कह देंगे कि जितने धरने प्रदर्शन, जितने लोग नौकरियां मांग रहे हैं उनको ये नौकरियां देने की काम करेंगे? 3.5 साल 4 साल में कुछ किया नहीं, तो बात किस पे करेंगे? ये भी तो मुद्दा है। और मुद्दे के ऊपर ये रैली के बीच में ये आए, इनकी इनको पूरा वो है, आप रैली करें, एक नहीं 100 करें रैली, लेकिन आप ये भी बताएं उस रैली के अंदर कि लोगों का फायदा कहाँ होने जा रहा है। आपके सोरिया साहब सीधे कह रहे हैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, हमें खुशी है, हमें सबको खुशी है, लेकिन आप ये बताएं वो क्या काम होगा उसके अंदर? आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमें ही कुछ बता दें, हम भी आपकी सराहना कर देते हैं कि आप लोग ये काम कर दोगे इस रैली के अंदर, बता देंगे आप। अभी तक तो कोई वायदा पूरा नहीं हुआ, 154 वायदे अभी अभी हम ना रैली के माध्यम से बता दें, आप तो कुछ बताएंगे वो झूठा हो जाएगा, फायदा नहीं है कोई इस बात बता रहा हूँ। आपके वायदे तो हम देख लिए 3.5 साल के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात जो है, जो इस जो रैली है उसके पीछे के अगर हम झांक के देखते हैं तो कहानी कुछ और आती है ज्योति। एक इवेंट कंपनी जो लखनऊ में ऑफिस बना के रखती है, उसका ऑफिस बाकायदा रैली के लिए गुड़गांव में बनाया जाता है। वो इवेंट कंपनी किस तरह से करोड़ों रुपया अपनी जेब में डाले, एक पहलू ये भी है इस रैली का। और जो बात अभी प्रताप जी ने कही थी पेट्रोल डीजल की, सनमारिया जी पूरी दुनिया में इस बात की लड़ाई है कि पेट्रोल और डीजल कम हो रहा है, 65 रुपए, आपको पता है ना कितने रुपए लीटर पेट्रोल है? और आप सत्ता में है, आपको कर्तव्य बनता है। चर्चा की फिलहाल शुक्रिया, शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो रैली कितनी कामयाब हुई इसको लेकर चर्चा की, और रैली हो जाएगी उसके बाद चर्चा ये करेंगे कि रैली कितनी कामयाब हुई। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।